क्या आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और घर बैठे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? अगर आपका उत्तर है हाँ, तो प्रेपराइज लेकर आया है आपके लिए रोजाना लगभग 7 क्लासेस, जिसमें होंगे ढेरों सारे विषय जैसा कि रीजनिंग, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिमाचल जीके। तो अगर आपने प्रेपराइज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन है, बेल आइकन को भी दबा दें। तो करिए अपने सपनों को साकार प्रेपराइज के साथ। हेलो स्टूडेंट्स, प्रेपराइज के इस ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम जैसे कि हमने टॉपिक की शुरुआत की थी, आज तीसरा चरण है, हम मॉडर्न हिस्ट्री में बात कर रहे थे, इसके विभिन्न संबंधित एमसीक्यू जो हम सॉल्व कर रहे थे। अच्छा फीडबैक आप लोगों का मिला है, बहुत खुशी हुई कि सर हाँ, आपने कहा भी था कि सर हाँ इस तरह के क्वेश्चन लाइए और साथ साथ में हम उसको भी सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से वीडियो को फैला दो यार, बहुत मज़ा आता है जब सब लोग इकट्ठे होकर पढ़ते हैं, आपके नए नए क्वेश्चन आते हैं तो सच में अच्छा लगता है और जवाब देने का भी मज़ा आता है। तो सबसे पहले वीडियो को फैला दो जल्दी से, अपने सोशल साइट्स पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर कर दो और सभी से रिक्वेस्ट करो कि जल्दी से क्लास हमारी जो है जनरल अवेयरनेस की वो शुरू हो चुकी है। तुषार ठाकुर, सुरेखा कुमारी जी, जल्दी से फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दो ताकि हम अच्छे से एंजॉय करते हुए आगे बढ़ें। और इस बार जो है आपका जो ये संकल्प है गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का, सरकारी नौकरी पाने का, और ये अवश्य 2020 में पक्का पूरा हो जाएगा। ठीक है, गुड आफ्टरनून सभी को गुड आफ्टरनून। मेरा एक ऐसा सेशन 12 बजे की क्लास आती है जिसमें हमारी गुड मॉर्निंग भी होती है और गुड आफ्टरनून भी एकदम से आ जाती है। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सभी को आफ्टरनून। तो जल्दी से दोस्तों वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये रोजाना का हमारा, हम सुबह से लेकर के इवनिंग तक रात के 7-8 बजे तक आप लोगों के साथ रहते हैं, तो इतना छोटा सा काम हमारे लिए करें। शालू शर्मा जी गुड आफ्टरनून, हितेश हिति आए सभी को आफ्टरनून जी, रोहित दरोज, जल्दी से दोस्तों जल्दी से जुड़ जाइए, सभी लोग जुड़िए, हम टॉपिक शुरू करते हैं फिर, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका, ये हम बात कर रहे हैं इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल की, 1857 टू 1947 के बीच में जो भी आपके हर एक एग्जाम में, देखिए सबसे ज़्यादा जो पोर्शन आता है वो आता है आधुनिक भारत का, मॉडर्न हिस्ट्री का, किस तरह से एक अंग्रेजों की लंबी गुलामी के बाद हम लोग आज़ाद हुए हैं और आज हम एक स्वतंत्रता में जी रहे हैं, तो उस पर हम बात कर रहे हैं। तो सभी लोग जुड़ जाइए यार जल्दी से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक इन इंडिया? अशोक मेहता, आसफ अली, जेबी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, जल्दी से जवाब दें। वेरी गुड, सभी जुड़ चुके हैं, जल्दी से जुड़ जाइए। सभी दोस्तों को बोलिए, जो भी आप रोज़ वीडियो देखते हैं उन सभी से कहिए कि क्लास जो है हमारी शुरू हो चुकी है, तो जल्दी से दोस्तों और इसका जवाब दीजिए। हु वॉज द फाउंडर ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक इन इंडिया? अशोक मेहता, आसफ अली, जेबी कृपलानी और सुभाष चंद्र बोस। मैं वेट कर रहा हूँ जी। मधु डडवाल जी गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को बहुत सारा गुड आफ्टरनून। बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ क्या इसका जवाब सही हो सकता है, फिर मैं आपको बताता हूँ, इसको ब्रीफली हम इसको सॉल्व भी करेंगे। जल्दी से, अशोक मेहता, आसफ अली, जेबी कृपलानी और सुभाष चंद्र बोस, क्या लगता है? सी बता रहे हैं मधु डरवाल, जेबी कृपलानी, क्या आपको लगता है ये सही है? मधु डरवाल जी ये सही हो सकता है? फॉरवर्ड ब्लॉक आपने नाम सुना है पहले कभी? फॉरवर्ड ब्लॉक क्या होता है दोस्तों? ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसकी जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी दोस्तों 1939 में, 1939 में इसकी स्थापना हुई थी और किसने की थी दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने इस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आपने सुना होगा इस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जब सुभाष चंद्र बोस ने की थी तो उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था, दिल्ली चलो का, ठीक है, दिल्ली चलो का उन्होंने नारा दिया और साथ में उन्होंने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें क्या दूंगा, आज़ादी दूंगा, ठीक है। हाँ अभी जवाब आया शालू शर्मा, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। मधु डडवाल जी को गलती का एहसास हो गया, कहाँ पे गलती हुई थी, ठीक है। हनी शर्मा डी, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखो, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ आज़ाद हिंद फौज? सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, जल्दी से जवाब दें।
कौन थे? ये भी क्वेश्चन आपने सुना है, सुभाष चंद्र, सॉरी मैंने सही जवाब ही बता दिया, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है चलो नेक्स्ट देखो। इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम कब विभाजित हुआ? देखिए ये क्वेश्चन देख लें, इंडियन नेशनल कांग्रेस दो बार विभाजित हुआ है। एक हम जब पढ़ते हैं 1907 का जो सूरत अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था, इसमें कांग्रेस जो था गर्म दल और नरम दल में बट गया था, लेकिन इंदिरा गांधी के समय इन्होंने पूछा है, तो इंदिरा गांधी उस दौरान तो थी नहीं। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय यानी जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, प्राइम मिनिस्टर थी देश की, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट डिवाइडेड ड्यूरिंग इंदिरा गांधी पीरियड? 1956, 1969, 1971 एंड 1973। जल्दी बता दें, जल्दी से सभी फ्रेंड्स को बता दीजिए, और हमारी लाइव क्लास चल चुकी है, चल पड़ी है। ठीक है, जल्दी से शेयर कर दो वीडियो को, इसका जवाब दें, इंदिरा गांधी के समय कब जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजित हुआ था? बी बता रहे हैं हनी शर्मा जी, बी 1969। वेरी गुड, वेरी गुड। और बताइए कोई, बी बता रहे हैं आप लोग, कमेंट्स तो करिए, जल्दी से जवाब दें, कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंदिरा गांधी के समय? जी गुड आफ्टरनून यूनिक वन जी, आजकल आप लोग लेट हो जा रहे हैं, जल्दी से 12 बजे यहाँ पे आ जाइए करें। ठीक है, बताइए इंदिरा गांधी के समय कब हुआ था? तो ध्यान रखें 1969 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो सत्तारूढ़ पार्टी थी, सत्तारूढ़ किसे कहते हैं, जो जिसकी सरकार होती है, जो सरकार पे बैठी होती है, तो 1969 में क्या हुआ दोस्तों, 1969 में ये जो सत्तारूढ़ पार्टी थी, सत्तारूढ़ दल जिसे हम कह सकते हैं, सत्तारूढ़ पार्टी और एक कांग्रेस संगठन था, सत्तारूढ़ पार्टी और कांग्रेस संगठन के बीच में विभाजन हो गया था, फिर 1971 में फिर से चुनाव हुए, तो 1971 में जो चुनाव हुए इसमें जो सत्तारूढ़ पार्टी थी उसको वास्तविक पार्टी का दर्जा दिया गया, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, और 1969 में इसका विभाजन हो गया था, फिर 1971 में जो कांग्रेस सत्तारूढ़ की जो पार्टी थी उसे ये कहा गया, ठीक है, वास्तविक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में उसे मान्यता दी गई। चलो नेक्स्ट देखिए, हाँ ठीक है जी, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, गृह शासन आंदोलन निम्नलिखित में से प्रारंभ किया था? द होम गवर्नमेंट मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? देखिए ऑप्शन देखिए, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, ये नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ, किसने किया था जल्दी से बताइए, गृह शासन आंदोलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक, मेरी तरफ देखिए, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, इनमें से कोई नहीं, जल्दी से जवाब दें, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से। जवाब दें जल्दी से, हनी शर्मा ए, गृह शासन आंदोलन, हाँ हनी शर्मा जी, वेरी गुड। महात्मा गांधी बता रहे हैं सालू शर्मा, अच्छा जी, ए बता रहे हैं मधु डरवाल, सी बता रहे हैं रोहित धरोज, ए बता रहे हैं बाल गंगाधर तिलक, चलो देखते हैं जल्दी से, और बताइए। देखिए दोस्तों 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने पूना में ये जो गृह शासन था ये आरंभ किया था, गृह शासन आंदोलन जिसे हम क्या कहते हैं, होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन जो था, ये मूवमेंट था, ये शुरू किया था किसने, बाल गंगाधर तिलक ने, 1916 में, आपने पढ़ा होगा, ठीक है 1916 में, और ये किया था पूना में, और दूसरी तरफ मद्रास में जो शुरू किया था ये आपने पढ़ा होगा, एनी बेसेंट ने शुरू किया था ये होम रूल लीग आंदोलन, और कब किया था 1916 में। तो क्वेश्चन आपके बाद पूछा जाए कि गृह शासन आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, होम गवर्नमेंट मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, तो ध्यान रखें ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने, समझ में आ गई बात, ये कैसा क्वेश्चन है, गांधी जी नोट पर क्यों आए, जिसके बारे में मुझे नहीं पता है,
क्यों? क्योंकि वो हमारे राष्ट्रपिता हैं। वैसे इतना ध्यान रखें, पंचशील का सिद्धांत, पंचशील थ्योरी, पंचशील का सिद्धांत किसने दिया जरा बताइए, किसने नहीं, नहीं सॉरी कब दिया ये बताइए, पंचशील का सिद्धांत कब दिया गया? 1956, 1969, 1971 एंड 1973, क्या लगता है आपको कब, इनमें से किस ईयर में जो पंचशील का सिद्धांत है, पंचशील थ्योरी जो थी, पंचशील नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कहीं इसमें कुछ पांच शब्द आ रहा है, पंचशील सिद्धांत, पांच सिद्धांत, क्या लगता है आपको? होम रूल लीग, ओके सर, ओके शालू शर्मा जी। देखिए आप बताइए, पंचशील का जो थ्योरी था ये किसने दिया, सॉरी कब दिया, 1956 में, 1969 में, 1971 में और 1973 में। मैं वेट कर रहा हूँ, हनी शर्मा सी बता रहे हैं 1971 में, तो देखते हैं। बी बता रहे मधु डडवाल जी, क्या हुआ आज गलत आ रहे हैं कुछ जवाब, जल्दी से। पंचशील का जो सिद्धांत था ये 1956 में दिया गया था। पंचशील, पंचशील पता किसे कहते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन, आपने सुना होगा गुट निरपेक्ष, ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन था 1956 में। पांच सिद्धांत थे, क्या था कि भारत और चीना, चीन, भारत और चाइना, इंडिया और चाइना के बीच विवाद को और झगड़े को दूर करने के लिए, विकास को और विवादों को दूर करने के लिए ये पांच सिद्धांत दिए गए थे, पांच वचन दिए गए थे, उसे हम कहते हैं पंचशील सिद्धांत। और ये पंचशील सिद्धांत कब दिए गए थे दोस्तों, तो ध्यान रखें 1956 में दिए गए थे। कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन हो गया, तो नेक्स्ट देखिए, पंचशील का सिद्धांत निम्न में से क्या नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील, गुट निरपेक्षता, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और सार्वभौमत्व, परस्पर सम्मान, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप, बताइए। पंचशील का सिद्धांत निम्न में से क्या नहीं है, वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी से बताइए क्या लगता है आपको, इनमें से क्या नहीं है बताइए, गुट निरपेक्षता, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, ठीक है, जल्दी से बताएं। सी तुषार ठाकुर, सी मधु डडवाल, क्या नहीं है इसमें से, ध्यान रखें, गुट निरपेक्षता है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सबसे अधिक संबंधित है, या इनमें से किससे संबंधित है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इनमें से किससे रिलेटेड है, बालिका हत्या से, विधवा विवाह से, महिलाओं के लिए मतदान के अधिकार से, ठीक है, बताइए किसमें से संबंधित है, आज़ादी के आंदोलन से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर किससे संबंधित हैं, रितेश कुमार ए बालिका हत्या से, ओके, और क्या लगता है किससे संबंधित है, बी रितेश कुमार ए बता रहे हैं, फिर बी बता रहे हैं, जल्दी से एक ऑप्शन दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए, कुछ डी बता रहे हैं, आज़ादी के आंदोलन इस तरह के समाज सुधारक थे, सोशल वर्कर थे, इन्होंने समाज को सुधारने में कई कदम इन्होंने अग्रसर किए, बढ़ाए समाज सुधारने के लिए। 1855 में इन्होंने सबसे सरकार से मांग रखी थी कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, यानी जो विडोज होती हैं उनके दोबारा शादी के लिए पुनर्विवाह अधिनियम, पुनर्विवाह के लिए सरकार से मांग रखी थी, फलस्वरूप 1856 में क्या हुआ, 1856 में एक विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया सरकार के द्वारा, इसे फलस्वरूप ये परिणाम हुआ विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है, कब हो दोस्तों, 1856
56 में ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। और ये कौन थे? संस्कृत विद्वान थे और समाज सुधारक थे, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ठीक है। इन्होंने सरकार को प्रार्थना पत्र भेजा था कि विधवाओं का पुनर्विवाह होना चाहिए, क्योंकि जिसे मधु डरवाल जी बता रहे हैं, बिकॉज ही मैरिड हिज सन बाई ए विडो। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, एट का भी। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द भारतीय जनसंघ? दीनदयाल उपाध्याय ने, यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय है, उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय, वीर सावरकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? रेखा कुमारी बी बता रहे हैं, ये किसका बता रहे हैं आप? भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी, किसने की थी, जरा बताइए, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी इनमें से? दीनदयाल उपाध्याय, वीर सावरकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, या इनमें से कोई नहीं? किसने की थी भारतीय जनसंघ की स्थापना? तुषार ठाकुर ए, सुरेखा कुमारी बी, रितेश कुमार बी, जल्दी से बताइए, बी, किसने की थी? वीर सावरकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, या नन ऑफ दीज? सभी का जवाब मेरे हिसाब से पूरी तरह से गलत है, सभी का, क्योंकि यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो दिया ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन ध्यान रखें, मैंने आपको कहा था कि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखें, इस तरह से ऑप्शन आते हैं, नन ऑफ दीज भी ऑप्शन हो सकता है। तो कब हुई थी भारतीय जनसंघ की स्थापना? जो की थी दोस्तों, ये की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, मुखर्जी ने की थी, और कब की थी? तो 21 अक्टूबर 1951 को, 1951 को, 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी, वो आप देख लें। जो हमारी आज़ादी के बाद का भारत अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो जो एनसीईआरटी की बुक है प्लस टू की, स्वतंत्र भारत में राजनीति, ठीक है, पॉलिटिक्स इन पोस्ट इंडिपेंडेंस, ओके। किसने की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, और 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक और मुखिया थे? हु अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ महाराष्ट्र वॉज द हेड ऑफ द फाउंडर ऑफ, ठीक है, प्रार्थना समाज। ठीक है, बताइए किसने की थी? महाराष्ट्र के समाज सुधारकों में इनमें से किसने जो थी प्रार्थना समाज के संस्थापक, किसे कहते हैं? ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, सुना भी होगा आपने, ये समाजों के नाम आप याद कर लें, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एमजी रनाडे, ठीक है। ये जो विभिन्न तरह के आंदोलन हैं भारत के इतिहास में रहे हैं, कुछ समाज सुधार आंदोलन है, कुछ राष्ट्रीय आंदोलन है, इनसे संबंधित क्वेश्चनों को ध्यान रखें। आप बताइए, एमजी रनाडे, पंडित रमेश रमाबाई, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, या ज्योतिबा फुले, इनमें से महाराष्ट्र के कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें प्रार्थना समाज का संस्थापक कहा जाता है? ठीक है, बताइए, सुरेखा कुमारी सी, हाँ, और कोई, और कोई बताने वाला, जल्दी से बताइए, जल्दी से। प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे दोस्तों, उनका नाम था डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, ये प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, समझ में आ गया। और ये कहाँ से थे? ये लिखा है ऊपर, महाराष्ट्र से, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। डी अभी बता रहे हैं, डी बता रहे हैं, अभी क्यों डी बता रहे हैं आप लोग? मधु डडवाल सी, सुरेखा कुमारी सी, ये सही बता रहे हैं, रोहित धरोज जी, अब डी क्यों बता रहे हैं? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग जो थे, ये प्रार्थना संस्थापक, ए या 18 का ऑप्शन आपके सामने है, 1856, 1857, 1858 और 1859 को हुआ था। बताइए जल्दी से कब हुआ था? ये फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल था। ये क्वेश्चन सब किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ। जल्दी से बताएं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? हाँ, अभी आगे जवाब, सुरेखा कुमारी बी, लालू शर्मा बी,
वेरी गुड वेरी गुड। 1857 में हुआ था। आप लोगों को मैंने कल भी बताया था इस तरह के जो संबंधित क्वेश्चन है, इसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। हालांकि अलग अलग लोगों ने इसके लिए अलग अलग वचन रखे, अलग अलग राय रखी। कुछ लोगों ने, देखिए जो इतिहासकार होते हैं दो तरह के होते हैं, जो हमारी स्वतंत्रता का जिन्होंने इतिहास लिखा है वो दो तरह के हैं। कुछ भारतीय इतिहासकार हैं, कुछ ब्रिटिश इतिहासकार हैं। ठीक है, जो ब्रिटिश हिस्टोरियन है वो कुछ अपने पक्ष में उन्होंने बातें लिखी हैं, जो इंडिया है उन्होंने अपने पक्ष में लिखी हैं, जो इंडियन हिस्टोरियन है। ठीक है, तो इस तरह का ध्यान रखें कि अलग अलग लोगों ने राय रखी। कुछ ने इसे मात्र एक सिपाही विद्रोह का, कुछ लोगों ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह का, जो हमारे डिजराइली हैं उन्होंने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, इतना आप ध्यान रखें। विपिन मन्हास, ठीक है, हाँ, सज्जन कुमार सी बता रहे हैं। किसका बता रहे हैं? सी। अच्छा, 12 क्वेश्चन में पहुँच गए आप जल्दी से। ठीक है, और एक इतिहासकार थे अशोक मेहता नाम था उनका, ये ध्यान रखें, अशोक मेहता, अशोक मेहता, उनकी पुस्तक थी मेहता द ग्रेट रेबिलियन, द ग्रेट रेबिलियन। ग्रेट रेबिलियन में उन्होंने इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी, राष्ट्रीय विद्रोह, अशोक मेहता ने, ग्रेट रेबेलियन उनकी एक पुस्तक थी, वहां पे उन्होंने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई? व्हेन वर मैर्टर्ड भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ठीक है बताइए। फांसी को बोलते हैं हैंग, हैंग्ड, ओके। शालू शर्मा 12 मार्च, अच्छा 12 का बताया, 23 मार्च 1931, हाँ ठीक है, वेरी गुड। ठीक है दोस्तों, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, और इन्होंने पहली बार जो था इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, और ये इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा था इसकी रचना जो की थी, किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने इसकी रचना की थी। ठीक है, और पहली बार इन्होंने इसका प्रयोग किया था भगत सिंह ने, इनकलाब जिंदाबाद का, समझ गए? सभी का जवाब लगभग सही है। ठीक है जी, कुशल गुप्ता जी गुड आफ्टरनून। अच्छा नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय नीति प्रस्तुत की थी? विच गवर्नर जनरल कंक्लूडेड द मर्जर पॉलिसी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी एंड लॉर्ड विलियम बेंटिंक। जरा बताइए किसने की थी ये, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से बताइए किसने की थी? गवर्नर जनरल ने विलय नीति प्रस्तुत की थी, वेट कर रहा हूँ मैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। जल्दी से मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से जवाब दें, जल्दी से कमेंट करके जवाब दें, क्या किसने की थी? सी बता रहे हैं, कुशल गुप्ता सी, लॉर्ड डलहौजी। अच्छा और कोई, जल्दी से किसने की थी विलय नीति, ये जो मर्जर पॉलिसी है किसने दी थी? ये जो मर्जर पॉलिसी है ये की थी दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने, यानी ऐसा कोई भी रजवाड़ा था या राजवंश था, अगर वहाँ का राजा या रानी बिना, मतलब उनकी कोई संतान नहीं होती थी, अगर होती भी थी, मतलब गोद लिया हो, दत्तक पुत्र जिसे हम कहते थे, तो उनको उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाता था। अंग्रेज अपने उसमें विलय नीति, यानी अपने साम्राज्य में उस राज्य को, उस रजवाड़े को विलय कर लेते थे, मर्ज कर देते थे, और ना कि किसी उत्तराधिकारी को सौंपते थे, समझ गए बात? ठीक है, इसके तहत मैं बताऊं आपको, तो 1848 में जैतपुर, 48 है एक लिखें, जैतपुर 1848 में, झांसी 1849 में, 1849 में, इनको इसी तरह के विलय नीति के तहत भारत में शामिल कर लिया गया था। शालू शर्मा, लॉर्ड डलहौजी जी, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ठीक है, 1848 जैतपुर, 1848 और झांसी, झांसी नहीं, झांसी सॉरी
संबलपुर जो था, संबलपुर ये भी एक इसी तरह से इसको भी विलय नीति के तहत शामिल किया गया था 1849 में, और झांसी को किया गया था दोस्तों 1853 में, 1853 में इसी विलय नीति के तहत अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में इनको मिला लिया था। समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सन 1857 के विद्रोह का नेता नहीं था? Who among the following was not the leader of the revolt of 1857? ऑप्शन है बिरसा मुंडा, तांत्या टोपे, नाना साहेब और बेगम हजरत महल। बताइए इनमें से आपको कौन लगता है 14 का सी? अच्छा पिछले का बता रहे हैं, 15 क्वेश्चन का देखिए कौन सा था जो 1857 का 1857 रेबुलियन का, इनमें से चार ऑप्शन में से चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बिरसा मुंडा, तांत्या टोपे, नाना साहेब, बेगम हजरत महल। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ लीडर ऑफ द 1857 रेबुलियन? बताइए जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था। हाँ तुषार ठाकुर जी, पहली रेल 1853, वेरी गुड। इसका बताइए जरा जल्दी से कौन सा लगता है आपको। ये कहाँ पहुंच गया आप, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये तो क्वेश्चन आया ही नहीं बिल्कुल भी। ए बिरसा मुंडा बता रहे हैं तुषार ठाकुर जी, तो रह गया, ओ सॉरी, अच्छा ये क्वेश्चन रह गया, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? विद विच मूवमेंट डिड महात्मा गांधी एंटर इंडियन पॉलिटिक्स? सूरत सत्र में, चंपारण में, असहयोग आंदोलन में या दांडी यात्रा में? तो जल्दी से बताइए कि जो सूरत का अधिवेशन हुआ था वहाँ पे गांधी जी ने भारत की राजनीति में, इंडियन की पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं भाग लिया, या मतलब उनकी शुरुआत वहाँ से हुई, सूरत में, नॉन कॉपरेशन में, चंपारण में, दांडी यात्रा में? तो जल्दी से बताएं इसका जवाब, आपने याद दिला दिया, ये क्वेश्चन रह गया था। ए बता रहे हैं, देखिए ध्यान रखें, जो महात्मा गांधी जब 1915 में भारत आए, 9 जनवरी 1915 में खेड़ा में, फिर अहमदाबाद में उनके आंदोलन हुए थे, तीनों आंदोलन बहुत सफल रहे थे। ध्यान रखें कि चंपारण में जब उन्होंने पहली बार वो आंदोलन किया था तो ये सक्रिय रूप से भारतीय राजनीति में शामिल हुए थे, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। हाँ विपिन मन्हास का जवाब सही है। अच्छा इसमें से बताइए 15 का कौन जो था 1857 के विद्रोह का नेता नहीं था, कौन लगता आपको? ध्यान रखें तांत्या टोपे बिल्कुल थे, हमने पढ़ा था, बेगम हजरत महल भी थे, नाना साहिब भी थे, बिरसा मुंडा ये नहीं था, ठीक है, बिरसा मुंडा उसे अलग के बाद की बात है, तो बिरसा मुंडा 1857 रेबेलियन का लीडर नहीं था। वेयर डिड द सेकंड एंग्लो मैसूर वार एंड विद द ट्रीटी, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत कहां की संधि से हुआ? अर्पिता शर्मा ए मंगलोर, और कोई? विपिन मन्हास, अच्छा इसका जवाब दीजिए जल्दी से 16 का, जो सेकेंड है एंग्लो मैसूर बार था, किस युद्ध का अंत किस संधि के द्वारा हुआ वो आपको बताना है, ठीक है। सेकेंड एंग्लो मैसूर, इसमें मैं बता देता हूँ कब हुआ था दोस्तों, ये जल्दी से मधु डडवाल, बाकी सभी लोग जो इस टाइम लाइव सेशन देख रहे हैं जल्दी से जवाब दें, 16 का जो सेकंड एंग्लो मैसूर बार था, ये इनमें से किस ट्रीटी के साथ एंड हो गया, यानी ऐसी कौन सी संधि होती है समझौता, किस समझौते के तहत ये दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध जो था वो समाप्त हो गया था। तो ध्यान रखें किससे हुआ था, 1780 से लेकर 1784 तक ये चला था एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। आप लोगों के जवाब नहीं आ रहा जल्दी से, हाँ बताइए, मंगलूर, मैसूर, श्रीरंगपट्टनम और मद्रास। देखिए ये मंगलोर की संधि के बाद हुआ था, मंगलोर की संधि, ठीक है, इसको ध्यान रखें, मंगलोर की संधि के बाद हुआ था। अभी एक में शायद आपको इसका जवाब नहीं आता है, जल्दी से बताइए, मंगलोर की संधि के साथ दोस्तों हुआ 1784 में लॉर्ड मैकार्टनी और दूसरे थे टीपू सुल्तान,
लॉर्ड मैकार्टनी और टीपू सुल्तान, ठीक है, लॉर्ड मैकार्टनी और टीपू सुल्तान के बीच में ये संधि हुई। इसके तहत दोनों ने जो विजित प्रदेश थे, जो भी इन दोनों ने जीते हुए थे, एक दूसरे से उनको लुटा दिए। इस संधि के तहत ये सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर था, ये हो गया। ठीक है, सचिन सोहल गुड मॉर्निंग जी, गुड आफ्टरनून सॉरी, ठीक है, बेंगलोर 16 का सी बता रहे हैं मधु डडवाल जी, गलत हो गया, ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में हुआ, इन विच ईयर डिड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टेक प्लेस, 1919 में, 1930 में, 1942 में या 1945 में, जवाब दें जल्दी से, कब हुआ था ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब हुआ था जरा बताइए, बी बता रहे हैं, 17 का जवाब दें जल्दी से, 1919 में हुआ था, 1930 में हुआ था, 1942 में हुआ था या 1945 में हुआ था। किस वर्ष में ये प्रारंभ हुआ ये बताना है आपको, धीरज कुमार जी नमस्ते, क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ लें, मैंने पूछा किस वर्ष में ये प्रारंभ हुआ, किस वर्ष में मतलब इसको अनुमति दी गई कि इसको प्रारंभ किया जाए, क्वेश्चन का मतलब ये है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ लें, मैं पूछ रहा हूँ किस वर्ष में इसको मतलब अनुमति दी गई थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो प्रारंभ करना चाहिए। वैसे आप लोगों के जवाब सही हैं, लेकिन क्वेश्चन का पूछने का तरीका कुछ और है, मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ कि किस में इसको शुरुआत हुई थी, 1942 तुषार ठाकुर, ठीक है। देखिए 1930 में कांग्रेस की जो कार्यकारिणी की बैठक हुई साबरमती आश्रम में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई, इसमें महात्मा गांधी से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के लिए कहा गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई, अंडर हुज रूल वाज द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस स्टार्टेड, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, बताइए। धीरज कुमार लॉर्ड बेंटिक बता रहे हैं, गलत हो गया जी, गलत है इसका जवाब, लॉर्ड बेंटिक नहीं है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, ठीक है, किसके प्रशासन में प्रारंभ हुई थी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, इसमें यानी सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, क्वेश्चन ये है, इस तरह से भी आ सकता है, सिविल सेवा का जनक, ठीक है, वेट कर रहा हूँ मैं, जल्दी से बताइए सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी, कर्जन, वेंटेक और लॉर्ड कॉर्नवालिस, अभी किसका जवाब आया है, डी, सचिन सोहल का डी आया है, हाँ डी जी जरूर, सिविल सेवा का जो जनक है वो कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पहली बार सिविल सेवा की शुरुआत की थी, लेकिन उस दौरान क्या होता था कि कंपनी कानून, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसी के कानून के तहत इन सिविल सेवकों की, ब्यूरोक्रेट्स की नियुक्ति की जाती थी, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आया कि सिविल सेवा के लिए पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जो शुरू की गई थी वो की गई थी दोस्तों लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी और लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में ये प्रारंभ हुई थी, इतना ध्यान रखें। खेमचंद डी जी, अंकित ठाकुर जी हेलो। नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय राजा ने नेपोलियन से अनुरोध किया कि वह ब्रिटिश को भारत से हटा दे, विच इंडियन किंग अपोज्ड नेपोलियन टू रिमूव द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया, ऑप्शन झांसी की रानी, जय सिंह, शिवाजी और टीपू सुल्तान, बताइए।
तुषार ठाकुर बताइए, किस भारतीय राजा ने नेपोलियन से अनुरोध किया कि ब्रिटिश को भारत से हटा देना चाहिए? झांसी की रानी ने, जय सिंह ने, शिवाजी ने या टीपू सुल्तान ने? बताइए। हड़प नीति जी, राज्य हड़प नीति डलहौजी की थी, जिसे हमने बात की थी विलय नीति, उसी की तरह की हड़प नीति, ठीक है, उसी को हड़प नीति कहा जाता है। झांसी की रानी, जय सिंह, शिवाजी, बताइए जल्दी से किसने कहा था? तो ध्यान रखें दोस्तों, टीपू सुल्तान ने भारतीय राजा नेपोलियन से अनुरोध किया कि ब्रिटिश को भारत से हटा दे। टीपू सुल्तान जो थे ये फ्रांसीसी रेवोल्यूशन से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से, फ्रांसीसी क्रांति से इतने प्रभावित थे कि उसमें एक जैकोलिब सदस्य के वो सदस्य बने थे और उन्होंने नेपोलियन से अनुरोध किया था, ठीक है, ध्यान रखें, इससे जैकोबिन क्लब से, जैकोबिन क्लब से। नेक्स्ट देखिए, एनी बेसेंट किस राष्ट्र से आई थी? फ्रॉम विच नेशन डिड एनी बेसेंट कम? स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड या पोलैंड? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बी नहीं हो सकता। जय सिंह जी, सचिन सोहल जी, बी नहीं, टीपू सुल्तान, ध्यान रखें, इन्होंने नेपोलियन से अनुरोध किया था कि वह ब्रिटिश को भारत से हटा दें, क्योंकि सबसे पहले जो ये दौर था जब ये युद्ध हुआ था तो टीपू सुल्तान के जो ये थे पिता थे, और इन दोनों के बीच में पिता और पुत्र एक साइड थे, जहाँ पे अंग्रेजों के साथ इनमें जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, तो कहीं ना कहीं इनमें आपसी टकराव थे, उस कारणवश उन्होंने नेपोलियन से अनुरोध किया था कि वो नेपोलियन जो थे उनसे अनुरोध किया था कि ब्रिटिश को भारत से हटा दें। एनी बेसेंट, धीरज कुमार ने बता दिया, आयरलैंड, ओके। ठीक है, एनी बेसेंट जो थी आयरलैंड की थी, 1888 से 89 में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी थी ये एनी बेसेंट। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का काम क्या था कि भारत में जो भी प्राचीन धर्म में जो हिंदू थे, प्राचीन धर्म को मानने वाले जो हिंदू थे, उनमें कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा देना, हिंदू धर्म को बढ़ावा देना, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य था। और वो कहाँ से आई थी दोस्तों? तो आयरलैंड से आई थी, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, हिंदू धर्म के लोगों में आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना इस थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य था। और वो कहाँ से आई थी? आयरलैंड से आई थी। कब आई थी? 1893 में, नवंबर 1893 में ये भारत आई थी। ओके, हाँ, आप पॉलिटी में पहुंच गए, नीति निर्देश तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, बिल्कुल, नीति निर्देशक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये आयरलैंड से लिए गए हैं, बिल्कुल। ठीक है, सचिन सोहल जी, क्या इंग्लैंड क्यों लिख रहे हैं जब ये आयरलैंड से आई है? ठीक है, समझ गए बात को? ठीक है, 1893 में आई थी। सबसे पहले ये शिकागो में एक धर्म सम्मेलन था, एक रिलीजन जो सम्मेलन होता है उसमें भाग लेने गई थी। 1893 में आई थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी थी। 1888 से 89 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी। और इसका मकसद क्या था कि भारत में प्राचीन जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनमें इस तरह से वो बढ़ावा दें और उनका सम्मान करना, समझ गए? चलो नेक्स्ट देखो, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कौन से वर्ष में आरंभ किया गया? इन विच ईयर वाज द परमानेंट सेटलमेंट स्टार्टेड इन बंगाल? 1769, 1791, 1793, 1799? बताइए, बंगाल में कब हुआ स्थायी बंदोबस्त? कब हुआ था दोस्तों, जरा बताइए, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब शुरू हुआ? क्या क्वेश्चन है? इन विच ईयर वाज द परमानेंट सेटलमेंट स्टार्टेड इन बंगाल? ऑप्शन आपके सामने है, 69 में, 91 में, 93 में, 99 में। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब शुरू हुआ था बताइए? किसी का जवाब नहीं आया, सी आया, धीरज कुमार का सी, 1793 में, 1793 में। और कोई
और कोई है जो बता सकता है? सालू शर्मा 1793, धीरज कुमार सी, और कोई? कीर्ति शर्मा 1793, वेरी गुड। देखिए ये स्थाई बंदोबस्त जो हुआ था ये कब हुआ था दोस्तों? परमानेंट सेटलमेंट 1793 में, और किसके समय में? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था 1793 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में इसके तहत जमींदारों को वास्तविक भू का स्वामी मान लिया गया था। जमींदारों, समझ गए बात को? जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया 1793 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय काल में। आई होप समझ गए होंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती स्नेटर द आर्य समाज। जी, आर्य समाज के बारे में मैंने बात ही नहीं की, मैं बात कर रहा हूँ परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। ठीक है, अच्छा वो सॉरी, आपने नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लिया। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द आर्य समाज, जिसका जवाब दिया। मैंने सोचा ये क्वेश्चन तो आया ही नहीं, ये कहाँ से दे दिया। आर्य समाज, चलो देखते हैं। आर्य समाज, चलो बताइए किसने किया था, चलो बता दीजिए। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती बता रहे हैं, शालू शर्मा, कीर्ति शर्मा जी बता रहे हैं। देखिए ये कुछ एक क्वेश्चन होते हैं, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इनमें से कोई ट्रिक से याद कर लें या किसी तरह याद कर लें, क्योंकि ऐसी गलतियाँ जो होती हैं, यही छोटी छोटी गलतियाँ जो होती हैं, क्योंकि कहावत भी है कि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है, तो छोटी छोटी गलतियों से बचें। ए देखिए कन्फ्यूज करने वाला ऑप्शन है, धीरज कुमार भी लिख रहे हैं, राजा राम, इसी तरह से ऑप्शन आते हैं, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। और हम ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक बार एग्जाम में मैंने भी ऐसी गलती की थी, तो इन छोटी छोटी गलतियों से बचें। आर्य समाज की दयानंद सरस्वती, अभी भी सोच लें, ये बता रहे हैं राजा राम मोहन राय, सभी लोग जो हैं पूरी तरह से कन्फ्यूज हैं। इक्कीस का बताया विवेकानंद, तो इसमें विवेकानंद कहाँ से आ गया? इक्कीस में तो हम स्थाई बंदोबस्त की बात कर रहे हैं, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरुआत की थी। स्थाई बंदोबस्त तो कुछ अलग प्रणाली है, स्थाई बंदोबस्त कर दिया गया था जो जमींदार थे, वास्तविक जमींदार, उन्हें जो है असली भूस्वामी जो था वास्तविक भूस्वामी मान लिया गया था। एट क्लास में एसएसटी में क्वेश्चन है, जी बिल्कुल होगा, बताइए। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? सभी लोग पूरी तरह से कंफ्यूज हैं। देखिए दोस्तों, समझ गए, सी बता रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, कुछ लोगों के जवाब सही भी हैं। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में, इस दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, और इन्होंने क्वेश्चन और भी आता है कि वेदों की ओर लूटो, वेदों की ओर लूटो का नारा किसने दिया था दोस्तों? वेदों की ओर लूटो का, तो ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, वेदों की ओर लूटो का नारा दिया था। और इसकी आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ये थोड़ा सा ध्यान रख लें। बाई सी श्योर, हाँ सभी श्योर हैं आप? ठीक है, इन्होंने वेदों की ओर लूट, ठीक है, वन एंड ओनली स्वामी दयानंद सरस्वती, जी बिल्कुल ठीक है। 1875 में, और 1874 में इन्होंने एक और बात कही थी, जो पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश, समझ गए सत्यार्थ प्रकाश। तो नेक्स्ट देखो, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ? व्हेन वाज जवाहरलाल नेहरू बोर्न? 1869 में, 1889 में, 1907 में, 1885 में। जवाहरलाल नेहरू, कल हमने एक इसी तरह का क्वेश्चन देखा था पिछले कल, जिसमें हमने बात की थी कि उनकी मृत्यु कब हुई, आज हम जन्म के बारे में, बॉर्न के बारे में बात कर रहे हैं, तो कब हुई थी जरा? बैक टू वेदास, जी बिल्कुल, वेदों की ओर लौटो, चाहे बैक टू वेदास कहे कहो, ठीक है, ये नारा दिया था दयानंद सरस्वती। बताइए जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ? अच्छा, तुषार ठाकुर 69 में, अंकित ठाकुर 69 में, हाँ बताइए कब हुआ था, जल्दी से बताइए कब हुआ था जवाहरलाल नेहरू का जन्म?
आपको लगता है 69 में हुआ हो? हाँ, शालू शर्मा का जवाब सही आ गया। अभी मधु डडवाल 89, सभी सही है। तुषार ठाकुर 89, ठीक है। 1889 में हुआ था इनका जन्म, 14 नवंबर की तारीख को 1889 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और 1964 में मृत्यु। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, यानी कि जो 1906 का कांग्रेस का अधिवेशन था, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज द डिमांड ऑफ कंप्लीट सेल्फ रूल, स्वराज यानी अपना शासन होना चाहिए। ये लाहौर का अधिवेशन था, मुंबई का था, कलकत्ता का था या मद्रास का था, ये आपको बताना है। जल्दी से जवाब दें, किस अधिवेशन में? बताइए कहाँ पे हुआ था। वेट कर रहा हूँ मैं। लाहौर, अंकित ठाकुर लाहौर, 1 बार एंड 2 बार डेट। सर जो क्वेश्चन एनी बेसेंट था उनका आंसर इंग्लैंड नहीं होना चाहिए सर। तो इंग्लैंड तो मैंने बताया भी नहीं सचिन सोहल जी, इंग्लैंड नहीं होना चाहिए। आप लिख रहे हैं नहीं होना चाहिए, तो मैंने भी तो आयरलैंड ही बताया, वो इंग्लैंड तो आप बता रहे थे। एनी बेसेंट आयरलैंड की नागरिका थी, ये ध्यान रखें। कोलकाता, अच्छा बता रहे हैं कोलकाता में, पूर्ण स्वराज की मांग कोलकाता में, सही है जी। कांग्रेस के जो 1906 में कोलकाता का अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता जिसे हम कहते हैं, कलकत्ता भी कहते हैं, कलकत्ता का जो अधिवेशन 1906 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता दोस्तों की थी दादा भाई नरोजी ने, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। और इन्होंने, दादा भाई नरोजी ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और किसने की थी इसकी अध्यक्षता, दादा भाई नरोजी ने। कब हुआ था दोस्तों, 1906 में। पूर्ण स्वराज की मांग कब, किस अधिवेशन में रखी गई थी, कलकत्ता अधिवेशन में। मुझे लगता है आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, महात्मा गांधी हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका छोड़कर कब भारत लौट आए थे, व्हेन डिड महात्मा गांधी लीव साउथ अफ्रीका फॉर एवर एंड रिटर्न टू इंडिया। 1914 में, 1914 में, 1915 में, 1915 में, 1916 में, 1916 में और 1919 में, 1919 में। तो बताइए, ठीक है। शिखा शर्मा जी कह रही हैं क्लास को डिस्टर्ब मत करो। हाँ जल्दी से जवाब दो, महात्मा गांधी जी कब आए थे? जल्दी से जवाब दें। जल्दी से जवाब दे दें, ठीक है। अभी थोड़ी सी बाधा आई होगी, इसके लिए माफ़ी, ठीक है। चल पड़ी क्लास, जल्दी से बता दें। 1914, 1915, 1916, 1919 कब आए थे? हाँ, प्रवासी दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। और गांधी जी 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटे दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए आ गए। यहाँ पे उनकी मुलाकात जो हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले से हुई थी, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गोविंद रानाडे के कहने पर गांधी जी भारत आए थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के उन्होंने अपना पॉलिटिकल गुरु माना, राजनीति गुरु माना, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीय प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अल हिलाल, जो अल हिलाल न्यूज़पेपर है, अल हिलाल न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड फॉर नेशनल पब्लिसिटी बाय, किसके द्वारा शुरू किया गया था जरा बताइए, जो अल हिलाल समाचार पत्र है। ऑप्शन है मोहम्मद अली, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आजाद, सैयद अहमद खान। तुषार ठाकुर 1921 शिमला फर्स्ट टाइम, हाँ 1921 में पहली बार शिमला महात्मा गांधी आए थे।
और कहाँ पे ठहरे थे, तो शमर हिल में एक जगह है शांति कुटीर, वहाँ पे जाके ठहरे थे। जी क्लियर आ जाएगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, अभी बता दें क्लियर आ जाएगी, बस मुझे लगता है आ गई अब। ठीक है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीय प्रचार के लिए ठीक है शुरू किया गया था, जरा बताइए किसने शुरू किया था दोस्तों? अब्दुल कलाम आजाद ने अल हिलाल शुरू किया था, आपका जवाब सही नहीं आया। ठीक है, ओके, अल हिलाल शुरू किया था अब्दुल कलाम आजाद ने और 1912 में, ध्यान रखें। ठीक है, अब ठीक है, डी सैयद अहमद खां क्यों बता रहे हैं आप लोग? अब्दुल कलाम आजाद ने अल हिलाल को शुरू किया था, ध्यान रखें। इनके दो समाचार पत्र और भी थे, अल हिलाद और अल बिलाग। अल बिलाग एक उर्दू में था, एक हिंदी में था। ठीक है, अल हिलाद और अल बिलाग, ध्यान रखें, समझ में आ गई बात? अल हिलाद और अल बिलाग, ठीक है, अल हिलाल, अल हिलाल ये 1912 में इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, ये अब्दुल कलाम आजाद। युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया कौन था? हु वाज द हेड ऑफ द यंग बंगाल मूवमेंट? हेनरी विवियन डिरोजिया, द्वारकानाथ टैगोर, चंद्रशेखर देव, ईश्वर चंद्र विद्या सागर, बताइए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर या कौन था? का मुखिया कौन था? हेनरी विवियन डिरोजिया, द्वारकानाथ टैगोर, चंद्रशेखर देव, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बताइए। मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से बताइए, शायद आप लोगों को नहीं आता है तो ध्यान रखें। युवा बंगाल जो आंदोलन था, यंग बंगाल मूवमेंट जो था, इसका मुखिया था हेनरी विवियन डिरोजिया। जो इनके अनुयायी थे उनको हम डिरोजिया कहते हैं, डिरोजिया। और इन्होंने मांग की थी कि नारियों के लिए शिक्षा और अच्छे तरह की सामाजिक व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। हेनरी जी, शालू शर्मा का जवाब आ गया, हेनरी विवियन डिरोजिया। ठीक है, ठीक है, इन्होंने लोगों से नारी शिक्षा और ऐसी तरह की मांगे रखी थी। और ये जो हेनरी विवियन डिरोजिया है, हम एक पॉलिटी में जब पढ़ते हैं तो पॉलिटी में बात करते हैं, एक शब्द है एंग्लो इंडियन, तो ये जो थे हेनरी विवियन डिरोजिया, ये एक एंग्लो इंडियन थे, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें। वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन के साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था? हु वाज द गवर्नर जनरल हु रिप्रेजेंटेड द पॉलिसी ऑफ सपोर्टिव फ्रेंडशिप विद इंडियन रूल? ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेसली या लॉर्ड विलियम बेंटेक, जल्दी से जवाब दें, मैं वेट कर रहा हूँ। किसने किया था जल्दी से, कौन था? हमारा समय समाप्त हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जल्दी से ए बता रहे हैं। कौन था गवर्नर जनरल? वॉरेन हेस्टिंग्स था, तुषार ठाकुर जी, शालू शर्मा ए बता रहे हैं, वॉरेन हेस्टिंग था सही में। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लें, क्या क्वेश्चन है? भारतीय शासन यानी पावर के साथ सहायक मैत्री के हैं, पॉलिसी ऑफ सपोर्टिव फ्रेंडशिप विद इंडियन रूल। ध्यान रखें दोस्तों, इसका सही जवाब है लॉर्ड वेलेसली। इन्होंने क्या किया था, जो सहायक विदेशी नीति के तहत जो राज्य अंग्रेजी राज्य में शामिल होना चाहते थे उन्हें शामिल कर लिया जाता था, और मतलब वो संधि थी, किसी समझौते के तहत कुछ समझौता होता था उसी के तहत उनको स्वीकार कर लिया जाता था। और इस तरह की सहायक मैत्री संधि जो थी, हमारी सपोर्टिव फ्रेंडशिप रूल था, इसके तहत हमारी जो पहली रियासत थी जो शामिल होने वाली थी उसका नाम था हैदराबाद।
हैदराबाद था, ये ध्यान रखें हैदराबाद था, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए जब हमारी कमेंट सेक्शन ओपन होगी, थोड़ी देर बाद कमेंट सेक्शन आप में जरूर करें, आपके जो कमेंट्स हैं, आपके कुछ डाउट्स हों वो आप जरूर कमेंट में सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमें अक्सर इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अधिक जानकारी के लिए और भी आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, जॉब नोटिफिकेशन आप देखना चाहते हैं, तो हमारी एक साइट है preprice.com, उस पर अभी वीडियो खत्म होने के बाद या जब भी आपको मौका मिले वहाँ पर लॉगिन जरूर करें, वहाँ पर जो नोटिफिकेशन है हमारी रिक्रूटमेंट अपडेट्स हैं उन्हें भी देखते रहें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल पर आए हैं, प्रेपराइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ शेयर करना मत भूलिएगा।